हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी की अपडेट को लेकर। खुशखबरी साथियों उन कैंडिडेट के लिए है जिन कैंडिडेट ने एम्स एमएससी नर्सिंग बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 23 दिया हुआ है, तो उनके लिए खुशखबरी यही है कि सीटों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है, कहीं पर सीट की जो संख्या है वो कम कर दी गई है। तो बैड न्यूज़ भी है और आपके लिए गुड न्यूज़ भी है, दोनों ही डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो सही और सटीक जानकारी केवल और केवल आपको ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। तो साथियों, जो एम्स न्यू दिल्ली में जो डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट का जो कोर्स शुरू किया गया था उसको विड्रॉवल कर लिया गया है, सीटें लेप्स कर दी गई हैं। एम्स न्यू दिल्ली के अंदर ही जो दूसरा कोर्स था डेंटल हाइजीन का, उसको विड्रॉवल कर दिया गया है। और रायपुर में जो आपका BASLB था इसको भी यहाँ से विड्रॉवल कर दिया गया है। तो पैरामेडिकल कोर्सेज कैंडिडेट के लिए कोई खास अपडेट नहीं है। अब देखिए, बात करते हैं BSc जो पोस्ट बेसिक कोर्स है उसके लिए, जो इस बार इन्होंने एम्स रायबरेली के लिए जो पोस्ट बेसिक कोर्स शुरू करने का सोच रहे थे उसको भी विड्रॉवल कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि BSc ऑनर्स जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 14 जो एम्स हैं उनमें पहले से ही BSc नर्सिंग की सीटें हैं, उनमें एडमिशन होता है। लेकिन अब एक नया जो एम्स है, एम्स रायबरेली, यहाँ पर ऐड हो चुका है और टोटल 50 जो सीटें हैं वो यहाँ पर बढ़ाई गई हैं। तो सभी फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने एम्स BSc ऑनर्स मतलब नर्सिंग करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम जिन्होंने भी दिया था, उनके लिए खुशखबरी है कि अब उन्हीं के स्टेट में जो सीटें बढ़ी हैं उसका इनको फ़ायदा मिल सकता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, 50 सीटें बढ़ाई गई हैं पहली बार में ही। तो चलिए साथियों, पूरी टोटल सीट कितनी हुई है वो भी आपको अपडेट देने वाले हैं कि सेम्स में कितनी सीटें हैं वो आप अभी देखेंगे थोड़ी देर में। देखिए साथियों, MSc नर्सिंग वालों के लिए यहाँ पर कोई खास खुशखबरी तो नहीं है, लेकिन जो एम्स गोरखपुर था उसके अंदर जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जो दो सीटें थी उन दोनों को ही विड्रावल कर लिया गया है। तो मतलब अब दो सीटें कम हो गई हैं, 174 टोटल सीट थी MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 23 के लिए, उसमें से दो हैं वो कम कर दी गई, 172 पोस्ट यहाँ पर अब रिमेनिंग रही हैं। चलिए एक बार आपको दिखा देते हैं कहाँ और कितनी सीटें हैं। तो वे सभी कैंडिडेट जिन्होंने BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है केवल फीमेल कैंडिडेट दे सकती हैं। तो देखिए, 14 जो एम्स हैं उनमें टोटल जो आपकी सीटें रिजर्व रखी गई हैं वो 966 हैं। अब 50 इसमें एडेड हो चुकी हैं तो अब टोटल जो सीटें हैं वो 1016 हो गई हैं। तो आपके लिए बड़ी अपडेट है और 15 वा जो एम्स है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है। आगे साथियों, अगले साल दो एम्स या तीन एम्स और नए इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि कोर्स के लिए विभिन्न प्रकार की जो परमिशंस हैं वो लेनी पड़ती हैं, उसके बाद आगे कार्रवाई होती है। अब MSc नर्सिंग की भी जो सीटें हैं वो एक बार आपको दिखा देते हैं। ये आप साथियों देख सकते हैं, एम्स गोरखपुर में जो टोटल सीटें थी MSc नर्सिंग के लिए वो 10 थी, उसमें से अब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जो 2 जो सीट्स हैं वो कम कर दी गई हैं। तो टोटल अब केवल 8 सीट यहाँ पर बची हुई हैं। तो ये सब आपके सामने साथियों, एम्स गोरखपुर का भी आप देख सकते हैं, MSc कोर्स के लिए भी देख सकते हैं, एम्स नागपुर में भी आप देख लीजिए 6 पोस्ट हैं। तो ये हम सभी ने आपको बता दिया था पहले ही। तो साथियों, ये अपडेट आपके लिए था। अब देखिए, जल्दी ही आपसे MSc नर्सिंग फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा कल या फिर उसके अगले दिन आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। BSc ऑनर्स के लिए भी अब चॉइस फिलिंग का जो काम है वो जल्द ही शुरू हो जाएगा, मे बी कि विद इन फर्स्ट वीक, मतलब पहले वीक में ही हो जाएगा, या यूँ कहें कि अगले एक वीक में आपकी चॉइस फिलिंग आपसे मांग ली जाएंगी। धन्यवाद साथियों।